हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में अगर हम बात करें तो हम बात करने वाले हैं IRCTC से रिलेटेड। IRCTC एक बहुत ब्यूटीफुल चार्ट पैटर्न बनाता हुआ नज़र आ रहा है और बहुत अपर साइड में यहाँ पर टारगेट नज़र भी आ रहे हैं। एज वेल एज बात की जाए, अनलॉकिंग की थीम मार्केट में चालू है। धीरे धीरे करके सारे स्टेट जितने जिन्होंने लॉकडाउन लगाया था वो धीरे धीरे अनलॉक होने जा रहे हैं। नेक्स्ट मंथ से शायद ये शुरुआत हो जाएगी। फेज वाइज अगर बात करें तो यहाँ पर IRCTC अच्छा खासा चार्ट पैटर्न तो बना ही रहा है और बहुत फंडामेंटली स्ट्रांग भी का शेयर है। अगर बात करें, बार बार आपको बताया भी है हमने, और 1400 जब OFS के बाद 1425 रुपीज़ के आसपास ये शेयर चलता था तब बताया था। OFS के बाद जब गिरावट आई थी तब बताया था, ओके 1330 रुपीज़ तक आया था। मैंने उस टाइम काफ़ी बाई किया था, काफ़ी लोगों ने ही बाई किया था। और अगर बात करें यहाँ पर आगे चल के ये शेयर और धूम मचाने वाला है क्योंकि इसके जो फंडामेंटल्स है काफ़ी फेवरेबल है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। एज वेल एज कल की डेट में यहाँ पर काफ़ी सारी वीडियोस बनाई है हमने। अगर बात करें, ये सारे के सारे शेयर आज की डेट में भागते हो। हैप्पीएस्ट माइंड की बात करें 7%, एमटार की बात करें 1035 रुपीज़ तक भाग के हुए, इन्फोसिस सारे शेयर यहाँ पर भागते हुए नजर आए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एज वेल एज यहाँ पर काफ़ी कंपनीज के रिजल्ट आए थे। हिंदुस्तान फूड से रिलेटेड यहाँ पर वीडियो बनाई थी, हालांकि आज शेयर गिरा है बट कोई इशू नहीं है। यहाँ पर ये शेयर अच्छे खासे रिटर्न आपको देता हुआ नजर आया था क्योंकि काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर रिजल्ट आए थे। बाकी यहाँ पर ब्रेकआउट स्टॉक है, ये 2 तारीख को इसके रिजल्ट है मदरसन सोमी के, तो ये शेयर आपको भागता हुआ नज़र आएगा डेफिनेटली, जो मुझे लगता है जितनी मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है स्टॉक मार्केट को उसके अकॉर्डिंग आई एम टॉकिंग अबाउट। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। और आपको बताना चाहता हूँ एक और बात, और यहाँ प्ले लिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको लिंक्स में मतलब वीडियो का लिंक मिलेगा प्ले लिस्ट, तो आप एक एक करके वीडियोस को देख सकते हैं। मतलब सारी वीडियोस इंपॉर्टेंट जो आप बेसिक्स आप चाहते हैं वो आपको मिलती हुई नजर आएंगी। तो आइए वीडियो की तरफ। तो IRCTC की अगर हम बात करें तो देखिए, IRCTC बेशक से 1.32% बढ़ा है बट ये शेयर काफ़ी अगर बात करें 24 रुपीज़ तो बढ़ा ही बढ़ा है। 1 मंथ की बात करें ये नीचे लेवल पर काफ़ी आ गया, 1500 रुपीज़ तक ये शेयर आया था। उसके बाद बात करें 13-14% के तो यहाँ पर रिटर्न 1 महीने में के अंदर अंदर दे चुका है। एज वेल एज बात करें यहाँ पर 6 मंथ की, तो देखिए यहाँ पर OFS आता हुआ दिखाई दिया था बीच में, ओके और फिर OFS के बाद ये शेयर देखिए यहाँ पर 41% के रिटर्न दे चुका है। ओके एज वेल एज बात करें यहां पर 2000 रुपए, 2076 अगर बात करें यहां पर देख लीजिए, 52 वीक आई 2073 रुपए का था। उसके बाद यहां पर अच्छी खासी गिरावट आई, 1500 तक आया और फिर उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं शेयर ने स्टिल यहां पर बात करें तो 21% के रिटर्न आपको दे दिए है। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो इसके जैसा मार्केट में शेयर आज तक नहीं है क्योंकि मोनोपोली बिजनेस को यह सपोर्ट करता है। एक साल में आपको 50% के रिटर्न दिए। और अगर ये कोरोना की स्थिति नहीं होती, ओके तो आई एम डैम श्योर अबाउट इट दैट ये शेयर आपको 4000 रुपीज़ तक जाता हुआ साफ नज़र आ रहा था। आज की डेट में भी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर शेयर ये 4,24,000 शेयर के यहाँ डिलीवरीज बेसिस पे उठाए गए हैं। एज वेल एज कंपनी इंफॉर्मेशन की बात करें तो देखिए यहाँ पर रिजल्ट भी आने वाले हैं, कभी भी यहाँ पर रिजल्ट अनाउंस कर सकते हैं। और यहाँ पर 2020 में स्टिल कंपनी वॉज इन लॉस बट स्टिल यहाँ पर 12.5 रुपये का यहाँ पर डिविडेंड कंपनी ने दिया है। अगर बात करें, यही सरकारी कंपनी की खूबसूरती होती है, वो डिविडेंड देते हैं, बट सरकारी कंपनी में ये अलग है क्योंकि यहाँ पर इनका बिजनेस मोनोपोली है, ओके और मार्केट में एक ही है जो IRCTC के नाम से बिकता है। यहाँ पर आप कहीं भी ट्रेन बुक कराए तो IRCTC की वेबसाइट से ही होकर गुजरना पड़ेगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझ के अगर हम काम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि IRCTC एग्जैक्टली काफ़ी बेहतरीन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म यहाँ पर बिजनेस में लगी हुई है। और टूरिज्म आपको पता ही है अनलॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कैटरिंग भी बहुत जल्दी यहाँ पर होटल्स की थीम यहाँ पर ओपन होती हुई दिखाई दे रही है। बीच बीच में ये अलग अलग स्कीम लेते हुए आ रहा है, बस से रिलेटेड, होटल से रिलेटेड, कि आप ये पैकेज लीजिए यहाँ पर जाके आप स्टे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अट्रैक्टिव नज़र आती है। मार्केट कैप भी बात करें तो यहाँ पर देखिए मिड कैप कंपनी, लार्ज कैप कंपनी नज़र आती है, 30,000 करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैप है और 62% का यहाँ पर ROCE है। इसका मतलब क्या है?
है आपको पता ही है, इसका मतलब है कि क्या कहते हैं, आप 10 लाख रुपए लगा दो इस कंपनी में और 20 साल वेट कर लो तो 100 करोड़ रुपए होते हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान में रख के काम करेंगे तो आपको पता चलेगी कि व्हाट इज़ द रियल वैल्यू ऑफ दिस कंपनी। और डेट की बात करें, कोई भी डेट नहीं है यहाँ पर, डेट फ्री कंपनी है। प्राइसिंग की बात करें, कोई प्राइसिंग नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इस कंपनी को बहुत बेहतरीन बनाती है, बहुत खूबसूरत बनाती है। और यहाँ पर रिजल्ट की बात करें, अगर बात करें, देखिए यहाँ पर तो पेंडेमिक था, अदरवाइज यहाँ पर रिजल्ट और बेहतरीन आते हैं। बट स्टिल यहाँ पर देखिए धीरे धीरे यहाँ पर से कंपनी ग्रो कर रही है और इस बार के जो रिजल्ट आएंगे और बेहतरीन आते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर अगर पेंडेमिक के बाद बात करें, नेगेटिव से सीधे प्लस में यहाँ पर कंपनी आ गई है। हाईएस्ट एवर अगर बात करें, हाईएस्ट एवर पे ही कंपनी चल रही थी। यहाँ पर देखिए धीरे धीरे अपने आप को ग्रो कर रही थी, बट यहाँ पेंडेमिक आ गया, इसका यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ा है। अदरवाइज ये हाईएस्ट एवर होता मुझे जो लगता है, जो मैं जितना मैं मार्केट को जानता हूँ। एज वेल एज बात करें रिजर्व्स की, यहाँ पर रिजर्व्स काफ़ी बेहतरीन है, 1170 करोड़ के रिजर्व्स। डेट फ्री कंपनी है। ओके, यहाँ पर अगर बात करें और भी कुछ पैरामीटर्स की, इन्वेस्टमेंट 127 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। कैश की बात करें, यहाँ पर 1535 करोड़ का कैश भी है। ट्रेड रिसीवेबल अच्छा खासा है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर पता है क्या लगती है, यहाँ पर दो तीन चीज़ें अच्छी लगती है। एक तो ROC ही, जो कि कभी भी 40% से नीचे नहीं गया। दूसरी बात यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न, जहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 8% की यहाँ पर होल्डिंग ले रखी है। ओके, एज वेल एज बात करें, DIS ने यहाँ पर 3% से यहाँ पर अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है। और यहाँ पर गवर्नमेंट ने यहाँ पर हिस्सा बेचा था, तो यहाँ पर इन लोगों ने खरीदते हुए दिखाई दिए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मतलब कहाँ पर एक भी परसेंटेज नहीं था और सीधे यहाँ पर 8-9% पर यहाँ पर हिस्सेदारी खरीद ली। पब्लिक की बात करें तो यहाँ पर आप बात करिए, पब्लिक के पास 14% है, और 14 भी नहीं होगी, आई एम डैम श्योर अबाउट इट। यहाँ पर बड़े बड़े लोग जो HNIs होते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस को हैंडल करते हैं, उन्होंने यहाँ पर ज़्यादा हिस्सेदारी ले रखी है। बाकी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास थोड़ी सी हिस्सेदारी होगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हम भी रिटेल इन्वेस्टर्स में आते हैं, तो कितना 100, 150, 200, 1000 शेयर तक ही हम ले सकते हैं, ज़्यादा तो हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ओके, और एज पर आर कैपेसिटी। तो अगर बात करते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की, मेन चीज यहाँ पर चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर से अगर मैं ड्राइंग को हटा दूँ, ओके, तो यहाँ पर एक बार ड्राइंग को हटा देते हैं और यहाँ पर आपके लिए दोबारा ड्राइंग बनाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए ये शेयर चल रहा है यहाँ पर अभी, ओके, यहाँ पर ये चल रहा है और बार बार देखिए इसी सपोर्ट जोन पे यहाँ पर जा, लास्ट टाइम यहाँ पर ऊपर चला गया था, फिर दोबारा इसी सपोर्ट पे यहाँ पर आता हुआ ये शेयर नज़र आया है। और यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छा बेहतरीन चार्ट पैटर्न बनता हुआ मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कप विद हैंडल पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बन गया कप, ओके, और इसके बाद ये बन रहा है इसका हैंडल। तो यहाँ पर कप विद हैंडल पैटर्न ये साफ बनता हुआ नज़र आ रहा है हमें। और जब इस तरीके का चार्ट पैटर्न बनता हुआ नज़र आता है ना, तो यहाँ पर अच्छा खासा गेन मिलता हुआ नज़र आता है। यहाँ पर अगर हम देख लेते हैं, यहाँ पर देख लीजिए ये, और इसे अगर उठा के हम इसके नेक लाइन पे लगा देते ना, जहाँ से हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए ये, और थोड़ा सा आपके लिए नीचे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर चार्ट पैटर्न काफ़ी बेहतरीन और ये शेयर जाता हुआ नज़र आता है। कितना रुपए, 3100 रुपये पर ये शेयर जाता हुआ नज़र आता है, जो कि इसका अपसाइड भी है। कितना, 59-60%। और ये 60% अगर एक साल में भी मिल गया, तो FD में 60% कमाना, मतलब 10 से 12 साल आपको पैसा रखना पड़ेगा, तब जाके आपका 60% होगा, पहली बात। और यहाँ पर अगर बात करें, अनलॉकिंग शुरू हो रहा है और धीरे धीरे एक बार को वैक्सीनेशन चालू है, एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन, ओके, पॉजिटिविटी की तरफ, ओके। और एक साल भी अगर इसे इस लेवल पर लगता है, और एक साल बाद तो मुझे लगता है कि पूरी तरीके से यहाँ पर ये ख़त्म हो जाएगा कोविड, और एक बार कोविड ख़त्म हो गया तो ये शेयर दोबारा बैक टू बिजनेस आएगा, फुल स्पीड से आएगा, फुली ऑपरेट होगा, और फिर उसके बाद ये शेयर यहाँ से भागता हुआ और नज़र आएगा, और अच्छा खासा यहाँ पर आपको गेन देता हुआ नज़र आएगा। तो इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये शेयर काफ़ी बेहतरीन मुझे पर्सनली लगता है, और यहाँ पर कवरेज हैंडल पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पर ये शेयर धूम मचाते हुए नज़र आएगा। और अभी रिजल्ट है, ओके, रिजल्ट में देखिए थोड़ा बहुत अपसाइड मूव्स दे रख सकता है, या थोड़े से नेगेटिव अगर रिजल्ट आ गया तो नीचे जा सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। बट अगर और नीचे जाता है ना, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, खरीदिएगा, और यहाँ पर ये इसके लिए ओपन है,
ये जो इसका हाईएस्ट यहाँ पर टारगेट आ रहा है ना 3100 रुपये, ये इसके लिए ऑलवेज ओपन है यहाँ पर, तो जाके रहेगा। एक साल की बात कर रहा हूँ, बट एक साल ऐसी चीज़ों में लगता नहीं है, ईजिली अचीव हो जाता है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान में देख के अगर हम काम करेंगे तो अच्छा खासा पैसा हम मार्केट से कमा सकते हैं। नॉलेज लेके कमाइए, नॉलेज लेके मार्केट में अगर आओगे, सीखोगे इस तरीके से चीज़ों को, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ इस तरीके से आप मार्केट में बहुत बेहतरीन पैसा कमा सकते हो। 60% का CAGR जो इसका चल रहा है ना, उस पर ये अभी भी कायम है, क्योंकि 60% का यहाँ पर एक साल का मैं दे रहा हूँ 60%, तो 60% का दोबारा CAGR आया। 20 साल अगर हम रख देंगे 10 लाख रुपये को, तो 100 करोड़ रुपये होते हैं। फिर अगेन बता रहा हूँ, तो अच्छी खासी यहाँ पर बैलेंस शीट है, मोनोपोली बिजनेस है, एवरीथिंग इज़ इन योर फेवर, अनलॉकिंग की थीम चालू है, धीरे धीरे ट्रेनें चलेगी, दोबारा पीपल विल गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो यहाँ पर आपको पता ही है, यहाँ पर सब चीज़ अच्छा खासा यहाँ पर होते हुए नजर आएगा। तो यहाँ पर बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस एज ए नॉलेज पर्पज से यहाँ पर हमेशा वीडियो बनाई जाती है। तो कोई भी पोजिशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र, खुद की स्टडी डेफिनेटली कर लीजिए। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए, और हमारे चैनल बॉस ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और नीचे काफ़ी सारी वीडियोज दी गई है, और आज की डेट में भी काफ़ी सारी वीडियोज आएंगी, तो उन्हें देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।